आज से कुछ समय पहले अगर कोई मुझे कहता कि भारत में एक ऐसा गांव देखने मिलता है जहां आज भी संस्कृत आम भाषा की तरह बोली जाती है, गुरुकुल में विद्यादान की परंपरा आज भी प्रचलित है और वैदिक चैंट्स आज भी वहां की गलियों में गूंजते हैं, तो शायद मुझे यकीन ना होता। पर ये सब बदल जाता है जैसे ही मैं मत्तूर विलेज को खुद विजिट करता हूँ। सुना तो था कि जैसे ही आप कर्नाटका के इस गाँव में कदम रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि समय में कुछ हजारों साल पीछे पहुंच चुके हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस तो हैं इस गांव के बारे में, पर मुझे ये एक्सपीरियंस खुद जीना था, इसलिए बस यूं ही एक दिन पहुंच गया मैं तुंगा नदी के किनारे बसे इस गांव में। ये देखो, ये स्काई है ये, और इस सुनहरी सेटिंग के अंदर ना जितना ये गोल्डन और जितना ऑरेंज स्काई लग रहा है वहां पे मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं समय में 1-2 हजार साल पीछे आ गया हूँ। इतना सही लग रहा है ना, ये कैमरा भी काम नहीं करेगा क्योंकि लाइट बहुत कम हो चुकी है। ऐसे फोटो लेके कच्ची दिखाता कि ओ हो हो, कल दिखाऊंगा। कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है, समय में पीछे आ गए। भारत ऐसा ही था जो अभी भी हम यहाँ पर इन गांवों के अंदर आके देख सकते हैं। मन तो था मेरा कि कम से कम 3-4 दिन यहाँ बिताऊं, मगर दिक्कत ये थी कि ना तो इस गांव में कोई होटल है और ना ही आसपास कहीं और रुकने की कोई सुविधा। ऐसे में किया भी जाए तो क्या। सर एक्चुअली कल ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी थी। वैसे कहीं जाने से पहले मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं चले जाता हूँ, बट इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि यार कोई अगर मेरे को लोकल मिल जाए ना तो मेरे से ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो मैंने स्टोरी अपलोड करी एंड सरप्राइजिंगली या हैप्पीली कोइंसिडेंटली मुझे लगा तो नहीं था कि कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में बसे दूर इस गांव में भी अपना कोई सब्सक्राइबर होगा। और जब रिप्लाई भी इस आईडी से आया तो मेरा शक जरा और बढ़ गया। पर क्योंकि मेरे पास कोई और चारा था नहीं, या तो मैं गाँव से दूर 15 किलोमीटर शिमोगा में रह लूं, या फिर इस मिस्टर बीन पर ट्रस्ट कर लूं। तो फिर मैंने वही किया जो मेरी गट फीलिंग कह रही थी। ये है संजन, जो कि मत्तूर के पास ही एक छोटे गांव में रहता है। लड़का है तो एकदम बढ़िया, मगर इंस्टाग्राम पर भाई ने अपना नाम मिस्टर बीन क्यों रखा हुआ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। किससे बात कर रहे हो तुम सुबह सुबह? फिर वो पूरा दिन हम संजन की बाइक पर बैठकर मत्तूर की गलियों में घूमते हुए निकाल देते हैं। तो जी अभी हम अपने गांव चित्रहल्ली से निकल गए और जा रहे हैं साथ के गांव में मत्तूर विलेज के अंदर, और कोशिश करेंगे अश्वत अवधानी जी को ढूंढने की, क्योंकि इंटरनेट के अकॉर्डिंग वही है जो हमें मत्तूर विलेज के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। गोल हमारा एक ही था कि अगर इस गांव को अच्छे से जानना है तो अवधानी जी को खोजना ही होगा, जो कि बड़ी कोशिशों के बाद भी हमें मिल नहीं पाते हैं। हम यहाँ पर ऐसे गली से निकल रहे हैं ना, तो वैदिक चैंट्स की आवाज़ आ रही है, घरों में प्रैक्टिस हो रही है, इस वाले घर में हो रही है पीछे। हमने पूछा भी क्या हम देख सकते हैं, बट उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला आप वैदिक टीचिंग्स को करते हुए कराते हुए नहीं देख सकते, ना ही फिल्म कर सकते हो, बट वैसे कर सकते हो, वैसे फ्री हो आप, गांव घूमो, संस्कृत की स्टडी जो हो रही है वो आप देख सकते हो, बट वैदिक टीचिंग्स नहीं देख सकते। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आ गए देखते देखते घाट पे। मन हल्का उदास तो हुआ था क्योंकि ये सब देखने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन था। तभी संजन मुझे नदी के उस पार साथ वाले गांव में चलने को बोलता है जहां हमें ये पाठशाला मिलती है। ये है मत्तूर के साथ का ही गांव होसहल्ली, और यहां भी मत्तूर की तरह ही वैदिक पाठशाला है। सर ऐसे हम गांव घूम रहे थे, घूमते घूमते हमें एक पाठशाला दिखी है, हाईवे के किनारे ही है। यहाँ पे अभी 3 शिष्य थे जो पढ़ाई कर रहे थे, ऋग्वेद पढ़ रहे थे वो। और वो बताते हैं कि वो 9 साल की उम्र से पढ़ रहे हैं, अभी 17 साल आई है, 3 साल और पढ़ना है, तो टोटल 11 साल उन्होंने को ऋग्वेद पढ़ना है। तो अभी आपको मिलता है? 20 साल। जब एक बार पढ़ाई हो गया तो फिर आप एग्जाम देंगे, अगर वो क्लियर कर लिया आपने तब आपको मिलेगा। काफी सही है। और हम जैसे जैसे जा रहे हैं गाँव के अंदर ना, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ नया देखने को मिल रहा है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा कभी। बहुत सही, आगे चलते हैं और देखते हैं। गुरुकुल के विषय में अभी भी मन और बातें जानना चाहता था, पर अभी गुरुजी पाठशाला में थे नहीं, तो हम वापस गांव की ओर चल देते हैं। तो इधर एक्चुअली स्कूलों के अंदर फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है अच्छे से, बट हम देखना चाहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो यार हमारा बैड लक है या फिर लैक ऑफ रिसर्च ही है,
क्योंकि अभी स्कूल की तो छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल खुलेगा 1 तारीख से, अभी 15 दिन और स्कूल बंद रहने वाला है। गांव वालों से अभी भी मुझे एक दूरी महसूस हो रही थी, खुलकर बात हो ही नहीं पा रही थी। नदी किनारे कुटिया है, ठीक है, उधर एक स्वामी नटेश आनंद जी, ठीक है जी, वो भी बढ़िया, देख लेते हैं फिर उनको। हाँ, वो अच्छा वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाम क्या है? रौनक सहनी। रौनक सहनी, सानी। लोग मदद तो पूरी कर रहे थे मगर कैमरा पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए संजन और मैं फिर अपना दिमाग चलाते हैं। भाई आसमान तो एकदम क्रेजी हो गया, बवाल। ओके, अब हम जा रहे हैं कोई बेहतरीन सा व्यू पॉइंट देखने, क्योंकि ऐसी सुंदरता हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से दिखा दें। बीतते हुए समय के साथ साथ अपने भारत के कल्चर और ट्रेडिशन को समझने की एक होड़ सी लग गई है मेरे मन में, इसलिए खिंचा चला जाता हूँ मैं ऐसी जगहों पर जहाँ सालों पुरानी परंपराओं की आज भी बहुत मान्यता है। बारिश तो बहुत हो गई, कैप तो पूरा पूरा, तो हम अब तो भीग गए। मन करता है कि बस कैसे भी करके इन सबको अपने कैमरे के थ्रू डॉक्यूमेंट कर पाऊं। तो यार बारिश तो एक्चुअली पूरी तरह से रुकी नहीं है, तो हम हल्की हल्की बारिश में से एक तो पता नहीं क्यों जी बढ़ रही है मेरी, खैर हल्की हल्की बारिश में हम चलना शुरू कर रहे हैं। फिर उसके लिए चाहे मुझे ऐसी बारिश में भीगते हुए ही क्यों ना जाना पड़े। मजा आता है। बढ़िया, सुबह सुबह नदी में नहाकर वापस जा रहे होते हैं तभी मुझे पीछे से मेरे ही नाम की एक आवाज आती है। हाय श्री प्रदा, कैन वी सी द विलेज नाउ? या, ओके। ये हैं श्री प्रदा और ये मत्तूर की ही रहने वाली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि कोइंसिडेंटली हमें मिल जाती हैं। यूजुअली व्हाट लैंग्वेज डू दे कम्युनिकेट इन? Our native language is Sanketi. Sanketi, right, right. I told you, not Kannada. Not Kannada. Sanketi भाषा संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु का एक मिक्सचर है जो कि इस गांव के लोग ही बोलते हैं। आज जब पूरे देश में संस्कृत भाषा को एक डाइंग लैंग्वेज बुलाया जाता है तो यहाँ इतने सालों के बाद भी ये भाषा जीवित कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक परंपरा अध्ययन रहता है, वेद शास्त्रों का संस्कृत का परंपरा अध्ययन रहता है, तब तक संस्कृत का अस्तित्व रहता है। जब तक संस्कृत का अस्तित्व रहता है तब तक भारत का अस्तित्व रहता है, क्योंकि लिए भारत का आत्मा संस्कृति, अस्तित्व संस्कृति ही है, भारत का महत्व भी यही है। भारत का आत्मा, भारत का अस्तित्व, भारत का संस्कृति, संस्कृति ही है, संस्कृति ही है। कहते हैं कि किसी देश का संस्कृति खत्म करना हो तो उसका लैंग्वेज को आपको खत्म कर देना। हाँ, इसलिए अंग्रेज आए थे तो वो उनको अंग्रेजों ने हमको जो सिलेबस माध्यम पद्धति दिया, परंतु गुरु शिष्य पद्धति पहले थे, उसको उन नाश कर उनने जो आंग्ल माध्यम पद्धति उसको दिया, इससे हमारा संस्कृत के ऊपर बड़ा आघात हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ गुरु शिष्य परंपरा से, पिता पुत्र परंपरा से जो अध्ययन अब है हो रहा है उस पर आकर अध्ययन कीजिए, उसको बचाइए, उसको पोषण कीजिए, उसको बढ़ाइए, तब भी हमारा संस्कृति बच सकता है, हमारा भारत का संस्कृति महत्व आत्मा अस्तित्व बचा सकता है। नहीं तो अन्य देश का, हमारा भारत देश का कोई व्यत्यास नहीं रहता है। आपका उपहार किधर व्यवस्था हुआ है, उपहार वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनके घर पर ही रुका हूँ मैं इनके साथ। तो शुभम। हाँ जी, तो जी हमें अपना पहला इंटरव्यू तो मिल गया है, साथ में 2 केले मिल गए हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी है। अभी हम और जा रहे हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं, देखते हैं और हमें क्या मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि इधर ना वो है थोड़ा प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसे हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, ऐसे किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो थोड़ा है, अलाउ भी नहीं करते पाठशाला के अंदर, तो आपको घुसने भी नहीं देंगे, तो उस सेंस में थोड़ा टफ हो जाता है वो आइस ब्रेक करके चीज़ें कैप्चर करना। ठीक है, वो भी उनका जो प्रोटोकॉल है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यार बाकी तक ये चीज़ें पहुँचें, तभी तो लोगों को शायद और पता चलेगा और कोई क्यूरियोसिटी में हो सकता है इधर आ जाए संस्कृत सीखने के लिए। तीसरे दिन की सुबह थी और अब समय आ गया था वापस पाठशाला जाकर गुरु जी से मिलने का। शिष्य हैं तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही काइंड है, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ऐसे मत बैठो, कॉफ़ी वॉफी पी लीजिए। पहले हमने मना कर दिया, फिर उन्होंने आधे घंटे बाद फिर से पूछा, फिर जी ललचा गया, ठीक है पी लेंगे।
पहली रात जो हम बारिश में भीगते भीगते गए थे वो इसके लिए गए थे। शहर शिमोगा के गांव होसहल्ली में ये गायत्री वेद पाठशाला है। यहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण, मीमांसा आदि पढ़ाया जाता है। यहां हम अन्य स्कूल जैसे कोई फीस या डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए ये गांव सब कुछ कर रहा है। हमें नहीं पता यह कब तक ऐसे ही चल पाएगा, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से ये सालों पुरानी गुरुकुल की परंपरा आने वाले वर्षों में भी चलती रहे और ज्यादा से ज्यादा शिष्य इस वेद पाठशाला में दाखिला ले। सर, जो मेरे को ऊपर पहनना था अपर बॉडी पे, वो वाला ना मेरा ये था, बहुत छोटा आ गया था, तो उन्होंने अपने वहाँ से निकाल के दे दिया, बोला पहन लो, और उन्होंने फिर मेरे को दे ही दिया, बोला पहना अच्छा सूट कर रहा है। उसको पंचा बोलते हैं, मेरे को पता नहीं था। मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, पर अपने कल्चर की रूट्स को भुला देना जरा अच्छा नहीं है, वरना इस दुनिया में अपनी कोई आइडेंटिटी बचती नहीं है। इसलिए जब कभी भी मैं ऐसी जगहों पर आता हूं तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यार यहाँ बैठा हुआ था नदी किनारे ना, तो ये राघव भाई आए और ये बैंगलोर में रहते हैं, इन्होंने मेरे को वहां कहीं से देख लिया और हेलो बोलने आ गए, तो इन्होंने बोला मेरे को व्लॉग में डालना। हेलो, अपना अपना नाम बोल दो। अभिराम। अभिराम, राघव, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, रंजन, और मैं रौनक। ओ, एक और भाई आ गया, आपका नाम वशिष्ठा। ठीक है, सबकी तरफ से हेलो। हेलो, बोलो, कमेंट कर दो। कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब टैलेंटेड है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ओके भाई, बाय बाय भैया, चलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखो अपना। बाय 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 बाय, टाटा। क्रेजी एक्सपीरियंस कह रहा है, आपके साथ कुछ भी करो क्रेजी होता है। कहाँ क्रेजी हो रहा है, हम तो यहाँ बैठे हैं, ये भी अभी अभी आ गया उनके साथ साथ। भाई बहुत क्रेजी है अभी तो, मतलब कहाँ कहाँ पे लोग पहचान लेते हैं, मिल जाते हैं। मैं कहाँ ही बैठा हूँ, घाट में ऐसा बैठा हुआ था, नदी देख रहा था, पानी बहता हुआ देख रहा था, क्या ही है क्रेजी। तो अरे, मेरी आखिरी शांति गाँव के अंदर, और मेरे को देखो कौन मिला। चीन चीन चीन, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, चौथी बार मिलना लिखा ही है। चलो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, अब फिर मुलाकात कभी थोड़े सालों बाद होगी। ठीक है, कुछ चाहिए तो फोन करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर मैंने ले लिया है। यार ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने बहुत मदद की। बाय। सो एक छोटा सा गांव है ना, तो हम बार बार मिलते रहते हैं। सही, खैर यहाँ का गाँव का हो गया सारा फुटेज, जो मेरे को चाहिए था मिल गया है। सारा नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिल गया, बट भाई ने डिनर प्लान किया है बहुत बढ़िया, तो चल के खाते हैं। तो वैसे बीते पिछले कुछ 3 दिन मेरे इस संस्कृत स्पीकिंग विलेज में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज एक बहुत बड़ी टीम लेकर चलते हैं ऐसा कुछ बनाने के लिए। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया है, पर मैं अपने वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हूँ, और अभी जो कुछ भी बन पा रहा है वो भी संजन भाई और आप जैसे सब्सक्राइबर्स की वजह से ही है। सो थैंक यू सो मच। ये तो संजन भाई, ये मेरा होटल तो मैं ड्रॉप करने आए थे, अब जरा रूम पे चलते हैं फिर बात करते हैं। आज भाई शिमोगा में मैं 5-6 होटल उगाया, सब बुक, एंड में बस ये एक छोटा सा रूम मिला तो मैंने ले लिया। और खैर मैं जो एक बड़ी अच्छी चीज़ बोल रहा था कि भाई ने जाते जाते एक पैकेट फुल ऑफ पापड़ मेरे को दिया है। मतलब यार कितना कितना ज़्यादा प्यार दिखाता है उसका कि क्या ही है। मैंने ऐसे कैजुअली बोला था, भाई मेरे को पापड़ मस्त लगता है, मसाला पापड़ खा रहे थे, ले पापड़, साथ में गिफ्ट में भी दे दिया है, ले पापड़ तुम खाओ, पापड़ इन्जॉय करो। बहुत अच्छा लगा यार, मेरे को लगता है कि जो एक्सपीरियंस मेरे को अभी मिला और फिर जो अमरकंटक वाली ट्रिप पे मोहन के साथ मिला था ना, जो मतलब मैं सब्सक्राइबर्स के साथ आप लोगों के साथ घूम के जो चीज़ें देख पाता हूँ, जो डिस्कवर कर पाता हूँ, गूगल के बस की नहीं है वो हमें वहाँ तक ले जाए। तो मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कर पाएं, जिसमें आप लोग एक्चुअली मेरे को अपना लोकेलिटी में जो इंटरेस्टिंग जगह है, जो इंटरेस्टिंग कल्चर है, जो गूगल को नहीं पता है, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, ज़रूर उस पर कुछ करते हैं। तो खैर ये तो एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कॉमेंट मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड कमेंट कर देना अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच संजन भाई, टाटा।